सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल। गाइस, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का और हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है, जैसा कि मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ। गाइस, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। गाइस, आप लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे आपका CTET जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 को दिसंबर में, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका सेकेंड पार्ट अर्थात हिंदी। आज आप हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और आप लोगों को पूरा आंसर्स उनके बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको लास्ट में बताया जाएगा कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, जिससे कि आप पहले ही अलर्ट रहें कि आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में किसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो पहले आप लोग एक बार खुद से देखना आप लोगों को कितना आता है, तभी मैं आप लोगों को उसका आंसर्स बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार देखें आपको आता है नहीं आता है, या थोड़ा वेट एकदम से अपने आप कर लें कि हाँ जी हमसे ये क्वेश्चन आता है, उसके बाद आंसर को देखें। ठीक है, कहने का मतलब है आप लोग खुद को टेस्ट करते हुए चलें। ओके, तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चंस को। और उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, लास्ट तक इस वीडियो तक देखते रहना, बने रहना हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें आप लोगों से पूछा गया था कि स्टेंजा आप लोगों से जैसे कि दे दिया जाता है आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ, जिसे हम हिंदी में कहेंगे गद्यांश पद्यांश। ठीक है, तो आपका ये जो इसमें आया था एक अनुच्छेद दे दिया जाता है जिसमें आपको पढ़कर कुछ प्रश्न उसमें दिए होते हैं, उनके उत्तर आपको निकालने होते हैं। तो इसी तरह का एक पैराग्राफ या एक अनुच्छेद आया था। ठीक है, तो जिसमें कि आपका है राष्ट्रीय पर्व सांस्कृतिक समारोह के ऊपर है ये। ठीक है, तो ये लोग आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें एक बार पहले। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा इसमें हो सकता है कुछ कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा हो, जैसे कि थोड़ा पार्ट मेरे को देखने को मिल रहा है कि इसे लेकर माता पिताजी स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है, ये सब है। देखिए, तो आप इसे धीरे 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 करके मैं आप लोगों को ये ऊपर तक लेके जाऊंगी, पूरा आप लोगों को पता चलेगा क्या लिखा हुआ है इसमें, तो अच्छे से इसे पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को अभी मिलेंगे नेक्स्ट, वो आपको जो करने हैं अटेम्प्ट वो इसी के बेस पे करने होंगे। तो वो संस्कृति और आपका राष्ट्रीय पर्व से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें है उनके भीतर बच्चों के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतह संदेह और गहरा डर बना रहता है, यही हाल स्कूल का भी है। मतलब बताया गया किस तरीके से बच्चों पर हम हावी होते हैं और किस तरीके की उन्हें संस्कृति, किस तरीके का समाज, किस तरीके की सीखने की प्रक्रिया उनके साथ बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें है बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेल कूदने के लिए समय और जगह थी, पहले की बात कर रहे हैं कि गीत गाने के लिए सुनने सुनाने के लिए था, लेकिन अब क्या हो गया स्कूलों में, तो उसकी बात चल रही है इसमें। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा अनुच्छेद, ठीक है, ख़त्म होता है यहीं पर। तो आप लोगों ने आई होप बहुत अच्छे से देख लिया होगा एक बार। ठीक है, आप लोग पूरा एक बार अच्छे से देख लेना, इसमें है सारा कुछ। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। अब मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप लोग सोचोगे यार बोर कर रही है, इतना बड़ा पढ़ के सुना रही है मैम, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे, तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, क्योंकि इससे बच्चे क्या हो जाते हैं ये बताना है। देखिए, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, ये कहना है इस अनुच्छेद का। ठीक है, नेक्स्ट है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, जो हमारी गीत कविता होती है वो स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या लगता है स्कूल को, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, ये लगता है इस अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में देखते हैं क्या है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको देखना है इसमें कौन सा सही नहीं है। जब आप पैरा को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, तो
जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इस अनुच्छेद के अनुसार गीत कविता को देखती है बाधक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार जो कथन सही नहीं है गाइस वह है इसमें जो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि इसमें अभी दिख नहीं पा रहा है अच्छे से प्रॉपर, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये अनुच्छेद के अनुसार सही है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। तो इसी के पैरा के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा माता पिता। तो अगर आप पैरा देखेंगे पता चलेगा कि बच्चों के लक्ष्य निर्धारित करते हैं माता पिता। नेक्स्ट है कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। सुनी सुनाई जाए तो इसमें सकर्मक है, सुनी भी जाए सुनाई भी जाए तो इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक आपको पता है। अगर देखिए हमारी क्या होती है सकर्मक क्रिया में और अकर्मक क्रिया में, सकर्मक में आपको कर्म मिलेगा, मतलब कर्म का जो प्रभाव होगा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, और अकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आपसे इसमें पूछा है इस क्वेश्चन को ना कुछ बच्चे गलत करके आए थे जब एग्जाम था। ये सांस्कृतिक में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है आपको। तो इसमें जो प्रत्यय होगा गाइस वो है एक, और पता है कुछ बच्चों का क्या था जैसे संस्कृति लगा दिया तो कुछ लोगों ने लगा दिया क लास्ट में क, ठीक है तो ये हो जाएगा गलत। तो क्योंकि इसमें क्या है सांस्कृतिक में क्या है एक प्रत्यय है। नेक्स्ट 99 का देखते हैं, मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर का नाम समान, भाई मुझे ये मंजूर है तो क्या देखिए अच्छा आएगा, पसंद आएगा, प्रस्ताव आएगा, बिल्कुल इन तीनों में से कोई सा भी नहीं आएगा, स्वीकार आएगा, क्योंकि मुझे ये स्वीकार है, मुझे ये मंजूर है। नेक्स्ट देख लीजिए गाइस, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे थोड़ा पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर उस पर आप भाषा सिखा रहे हैं तो सबसे अधिक जरूरी क्या है प्राथमिक स्तर पर, तो सबसे जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। कैसा परिवेश? प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, इसका निहितार्थ होगा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो जो उनके भाषाई अनुभव हैं उनका उचित प्रयोग किया जाएगा, तो यही उनका क्या है इसी भाषा का अनुभव उनको लेकर वो विद्यालय आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आप भाषा सीख रहे हैं और सिखाई जा रही है तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब आप समाज के साथ क्रिया कर रहे हैं, समाज के साथ आप इंटरैक्ट हो रहे हैं, मतलब बातचीत करना, उनके साथ रहना वहाँ पे समाज में, तो सामाजिक अंतःक्रिया सीखने सिखाने में क्या है सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, क्या प्रयास होना चाहिए उन लोगों का हिंदी भाषा शिक्षक का बताना है आपको। देखिए इसमें जो है आपका आंसर सही है, इसमें आपका सही होगा इसमें सी, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के लिए अवसर दें। जो उसकी भाषा संबंधी रचना शक्ति है उसको बढ़ाने का अगर हम अवसर देंगे तो ये सबसे बड़ा प्रयास होगा भाषा शिक्षक का। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। देखिए मैं इसके पहले ऑप्शन पढ़ूंगी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है ईद का कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, क्या भाषा आकलन के संदर्भ में सही है? नहीं है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, क्या ये सही है बताइए। अब ठीक है, क्या ये सही है, सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, एक तरीके से आप उसके शब्दों में लिख सकते हैं ये कुछ तरीके से सही है। यदि ये तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, तो आप ये भी अपनी भाषा में लिखोगे तो ये भी सही है। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन कौन किस बात से घबराता है, तो अगर आप इसे अपनी भाषा में लिखोगे ना तो ये भी सही है, एक तरीके से ये भाषा आकलन के संदर्भ में सही है, लेकिन सबसे कमजोर होगा आपका ये ईद का कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन है, आपको सिंपल उसका एक आंसर लिखना है, तो कोई आप इससे भाषा का आकलन नहीं होगा कि मतलब आपको कितना आता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे कमजोर है, तो बी, एक सेकेंड, बहुत गड़बड़ हो गई है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा क्योंकि ये सवाल जो है सबसे कमजोर है भाषा आकलन के संदर्भ में। नेक्स्ट देख लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है इसमें संप्रेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसमें जो आपका सबसे अच्छा तरीका है वो है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। आपने क्या सुना आप उसको लिख दो, तो यही क्या है उसके आकलन का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है, सार्थक की बात की गई है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है ये, कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। भाई आप कभी भी देखना आप क्या करेंगे, जैसे आपने पढ़ना शुरू किया आप क्या करते हैं, आप पढ़ते पढ़ते एक लाइन आपने पढ़ ली, जैसे अब अगर मैं पढ़ूं सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति, फिर से आपने इस लाइन को पढ़ा, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, दैट मीन्स आप उस चीज को ना समझने की कोशिश करो, समझ कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषागत प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी सही, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, जो उसकी भाषागत त्रुटि है उनकी पहचान करना भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण है, बताइए क्या होगा, आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, उत्कृष्ट लेखन की बात हो रही है, देख लीजिए, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, तो इसमें 109 जो होगा इसमें यही सही है, क्योंकि आंखों देखी घटना का अगर आप लिखित वर्णन कराएंगे प्राथमिक स्तर पर तो बच्चा एक उसका उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण होगा कि उसने ये देखा वो देखा, अगर वो उसके बारे में लिखता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आपको बताने कौन सा कथन इसमें सही होगा, इसमें गाइस सही होगा आपका, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। तो बच्चे देखिए, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, आकर ही भाषा सीखते हैं ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है, पहले से उन्हें भाषा घर पे भी सिखा दी जाती है, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं, सिर्फ संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं ये भी गलत है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। तो बच्चे में जन्मजात करने की, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया है, वेट 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 गैस, इसमें जो डी ऑप्शन है ना आपका, इसमें नहीं और रह गया है आपका कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती होती है, नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, ये सी सही है कि भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्शिया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने के मिलेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं, डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है, डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया का जो इसका आंसर है आपका सही है, वो भी ग्राफिया से आप ध्यान रख सकते हैं, लिखने से रिलेटेड है, ग्राफ बनाना लिखना इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो डिसग्राफिया जिस बच्चे में होगा उसमें लिखने की कठिनाई होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, चलिए बताना है आपको आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो भाई ये है आपकी बी, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना, हिंदी भाषा को जो विविध रूप देगी वही हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषी कक्षाएं जो होती है मतलब जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, एक तरीके से अलग अलग वातावरण से लोग आते हैं बच्चे पढ़ने, उनके अलग अलग भाषाएं होते हैं, बहुभाषी कक्षा कहलाई जाती है, तो उसमें बच्चों की भाषाएं का बताना इसमें कौन सा सही है, सी, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। आपसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात हुई थी कि जो शिक्षक होगा वो जो बहुभाषी कक्षा है, बहुत शोर आ रहा है थोड़ा यहाँ पे ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो बहुभाषी कक्षा का बताया था कि शिक्षक किस रूप में लेगा उस कक्षा को, वो लेगा संसाधन के रूप में, ठीक है, और बाधक के रूप में लेना सबसे गलत है वो, ठीक। नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में, भाई देखिए सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर,
मतलब एक तरीके से अगर आप इसे इंग्लिश में देखेंगे ना इस चीज को, आपकी इंग्लिश पेडागोजी भी आती है, ठीक है। तो भाषा सीखने मतलब लर्निंग और एक्वाइजेशन में क्या अंतर होता है, लर्निंग और एक्वाइजेशन में आपको अंतर बताना है कि क्या अंतर है। इसमें अंतर है आपका ए, भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है। तो सीखने और अर्जित करने में परिवेश क्या होता है, अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए आपसे जो पूछा गया था, एक आपको गद्यांश एक तरीके से कि एक कविता की पोयम पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर बान वक्स वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सा ऐसा छू जाएंगे मिलेंगे, कौन सा ऐसा पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। तो कविता की पंक्तियों में यात्रा किस विशेषता की ओर संकेत किया गया आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका ए सही, अनिश्चितता की ओर, क्योंकि आपने पूरी कविता में अभी देखा है अनिश्चित 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 बताया गया हर चीज को, तो अनिश्चितता की ओर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। भाई सुमन और कंटक, कंटक आपको पता ही है कांटों के लिए बोला जाता है, और सुमन जो होता है फूल के लिए बोला जाता है, लेकिन कविता के अनुसार जो है वो है सुख और दुख, कि आपको सुख और दुख मिलेंगे, निश्चित नहीं है कि कब सुख मिल जाए कब दुख मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो हर कविता और एक तरीके से जो हमारे लोग बड़े होते हैं हर हमेशा हमें यही समझाते हैं कि सुख और दुख धूप छाँव के समान है, सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख है, सुख भी आता है। तो आप लोग भी चिंता मत करें, सीटेट क्वालिफाई होगा, थोड़ा बहुत दुख वुख चल रहा है तो सुख भी आएगा गाइस, डोंट वरी। नेक्स्ट देखिए 27, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो किस बात की प्रेरणा दे रहा है भाई, वो दे रहा है कि भाई हर स्थिति में आगे बढ़ो। सीटेट अगर आपका पहले क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर आप अभी कमजोर पड़ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, तो हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए कवि कह रहा है, वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ, बस आगे बढ़ो, हम लोगों के साथ जुड़े रहो, जो क्वेरी है जो कमेंट है वो बताओ, बस प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए पहले सीडी भी आया था प्रैक्टिस जो उसके प्रीवियस क्वेश्चन थे, अब आप लोगों के लिए आए हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो डिटेल में है उसके आंसर भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हुआ, 8 28 जो इसका 120 है, इसका देख लेते एक बार, 119 का, इस जीवन यात्रा में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर आप कविता को देखेंगे तो कुछ भी निश्चित नहीं है कविता के अनुसार जीवन यात्रा में, क्योंकि अनिश्चितता की ओर बता रही है कविता। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा है। क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने सोचा कि कौन सा शब्द समानार्थी है, भाई उन्हें दिख गए समानार्थी शब्द, लोगों के क्वेश्चंस, भाई इसमें तो सब समानार्थी हैं, सभी समानार्थी हैं, कौन सा ऑप्शन लगाए, भाई अच्छे से देखो तो सही क्या पूछा गया, पूछा गया कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए, वो है प्रभा। प्रभा सरित का समानार्थी शब्द नहीं है, नद है, तटनी है, जयमाला है, प्रभा नहीं है। नेक्स्ट, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, अनिश्चित, भाई अब एक बार बताइए अनिश्चित के साथ आप क्या लगा सकते हैं प्रत्यय में, लास्ट में क्या लगा सकते हैं बताइए मुझे, क्या आप ती लगा सकते हैं, अनिश्चित ती, अनिश्चित ते, अनिश्चित ते, ये से लगा सकते हैं, नहीं, अनिश्चित था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, सिंपल अनिश्चित था, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज फर्स्ट के, आपके लिए लैंग्वेज टू के भी 30 क्वेश्चन आएंगे पार्ट टू अर्थात हिंदी के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ पार्ट टू की, चलिए गाइस मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम।